चंबा जिला मुख्यालय से कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की कीमतों, दही शहद आटा को जीएसटी के दायरे में लाने व अग्निपथ योजना को आनन-फानन में लागू किए जाने के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन सभी मुद्दों को जनता के समक्ष लाएगी और जनता आगामी चुनावों में खुद सरकार को इस सभी मुद्दों पर जवाब देगी। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नीरज नैयर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर की अगुवाई में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नैयर ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में आंशिक वृद्धि होती थी तो विपक्ष में बैठी भाजपा सड़कों पर उतरकर खूब हो हल्ला बोलती थी, लेकिन अब जब पिछले 8 वर्षों से जनता का आर्थिक शोषण हो रहा है तो भाजपा सरकार सोई हुई है। इस सोई हुई भाजपा सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस ने आज पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। पूरे देश में, प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो है कांग्रेस जो है एक धरना प्रदर्शन जो है करने जा रही है, और आप लोग भली भांति जो है इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि आजकल पूरे देश की राजनीति के अंदर क्या चल रहा है। आज का हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है इसके 4 या 5 मुख्य बिंदु हैं। एक तो ये है कि पूरे देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो अपने उच्चतम स्तर पर है, और तकरीबन पूरे देश के अंदर आप अगर आंकड़े पूरे देश के अंदर लो तो जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार देने के लिए उन्होंने वादा किया था, और जब भाजपा की जब यूपीए की सरकार थी उस टाइम में जो है ये भाजपा वाले जो हैं ये हमेशा एक मुद्दा उठा के रखते थे, और प्याज सब्जी दाल और गैस के सिलेंडर इनके ऊपर जो है जगह जगह जाके ये धरने प्रदर्शन करते थे और बोलते थे कि कांग्रेस सरकार ने जो है चूड़ियां पहन रखी हैं और तरह तरह के तरीके इनकी जो महिला विंग है वो हर जगह जाके जो है बहुत अपना रोष जो है प्रकट करती थी। तो आज इस धरने प्रदर्शन से जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुस्तान की जनता को एक संकेत देना चाहती है कि इनकी कथनी और इनकी करनी में एक बहुत बड़ा जो है अंतर है। आज का धरना प्रदर्शन बेरोजगारी, हम जहां भी, मैं अगर चंबा डिस्ट्रिक्ट की ही बात करूं तो तकरीबन इतने युवा हैं जो बेरोजगार है कि पूछो मत, और हर जन, और वो बहुत बड़ी नौकरियां नहीं चाहते हैं, 10-12 हजार, 15 हजार की आउटसोर्स की नौकरियां भी अगर उनको मिल जाए तो उससे भी वो खुश है। लेकिन इस सरकार ने किसी को नौकरी तो क्या देनी, जिनकी नौकरियां थी उनकी नौकरियां भी जो है वो छीन ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, चंबा।